हमारी आज की घोषणा ये है कि यदि भविष्य में हमें कभी कुछ हो जाए तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में विजयनगर के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार राज्य के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व राजगुरु तथाचार्य के परम मित्र श्री वेंगड़ु स्वामी जी को सौंप दिया जाए। आज आप सबके समक्ष हम वेंगड़ु स्वामी जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। महाराज, आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश ही है, किंतु मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बस दरबार की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की जाती है। महाराज कृष्णदेवराय की जय। 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 महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अनुमति है। मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि या अपराध हुआ है महाराज, जो आप मुझसे रुष्ट हैं? आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हम आपसे रुष्ट हैं? क्योंकि आज कुछ ऐसा घटित हुआ जो आज से पहले कभी नहीं घटा था महाराज। आज आपने भरे दरबार में ये कहा कि वेंगड़ु स्वामी मुझसे अधिक बुद्धिशाली और योग्य है। हाँ, कहा, क्योंकि हमें ऐसा ही लगा। क्या आपसे अधिक बुद्धिशाली कोई नहीं हो सकता? हो सकता है महाराज, अवश्य हो सकता है, किंतु वो वेंगड़ु स्वामी नहीं हो सकता महाराज। आप मुझसे और मेरी योग्यता से वर्षों से परिचित हैं, किंतु दो दिवस पूर्व आए वेंगड़ु स्वामी की बुद्धिमत्ता आपने दो दिवस में ही माप ली, और तो और आपने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि वेंगड़ु स्वामी आपका उत्तराधिकारी है। क्षमा करें महाराज, किंतु ईश्वर ना करे कल को आप ना रहे और विजयनगर के सम्मानित राज सिंहासन पर वेंगड़ु स्वामी का अधिकार हो। ये बात ना तो मेरा हृदय मानने को तैयार है और ना ही आत्मा। मैं आपका और विजयनगर का सेवक हूं महाराज, एक ऐसा सेवक जिसकी निष्ठा विजयनगर के राज सिंहासन के साथ बंधी है, जो ये नहीं देख सकता कि विजयनगर का सम्मान उसका राज सिंहासन वेंगड़ु स्वामी जैसे जादूगर के अधीन हो। बस, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं पंडित रामाकृष्णा। मत भूलिए कि विजयनगर के सम्राट आप नहीं, हम हैं, और हम जो भी निर्णय लेते हैं विजयनगर की भलाई के लिए लेते हैं, और ये निर्णय भी विजयनगर के लिए उचित है। आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। नहीं, ये स्वर अवश्य महाराज के हैं, किंतु शब्द नहीं। महाराज ने ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे साथ कभी नहीं किया। क्या हो गया है महाराज आपको, क्या हो गया है? कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। कहीं बीती रात्रि महाराज और वेंगड़ु स्वामी के मध्य जो संवाद हुआ, ये
उसी का परिणाम तो नहीं? हो ना हो, इस वेंगड़ू स्वामी ने अवश्य मेरे महाराज पर कोई जादू किया है। पता लगाना होगा रामा, पता लगाना होगा, पता लगाना होगा। लाओ लाओ लाओ, निकालो, फेंको फेंको सामान उस बिगाड़ू का। किंतु गुरुजी आप भूल रहे हैं, अतिथि देवो भवा। अरे गधो, ये अतिथि राक्षस भवा हैं। गुरुजी ये तो बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप अपने परम मित्र वेंगड़ू स्वामी जी का ये सामान घर से बाहर निकाल रहे हैं? हाँ। अरे अभी तो उसका सामान फेंक रहे हैं, कुछ समय पश्चात उसे भी बाहर फेंकेंगे। और गधो, तुम दोनों ये तर्क वितर्क क्यों कर रहे हो हैं? जितना कहा गया उतना करो, जाओ सामान लेके आओ। हाँ हाँ ठीक। वेंगड़ू जानना चाहते हैं कि आप वेंगड़ू के सामान को लात क्यों मार रहे हैं और उसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? अभी तो यहाँ रख रहे हैं, थोड़ी देर में बाहर रखेंगे। किंतु वेंगड़ू का दोष क्या है? दोष छल किया है तुमने हमारे साथ। छल? हाँ। वो क्या है? क्या सुन रहे हो? बातें क्या सुन रहे हो? नहीं किंतु गुरुजी, ये सामान इसका क्या करें? इसे उठाओ और हमारे सर पे पटको। जैसे आपकी आज्ञा। अरे भागो यहाँ से गधे। वाह वेंगुड़ स्वामी, वाह वाह, बहुत अच्छा खेल खेला तुमने। महाराज की दृष्टि में हमें सर्वोपरि बनाने गए थे और स्वयं को सर्वोपरि घोषित करवा के चले आए, विजयनगर राज्य के उत्तराधिकारी बन गए। सच सच बताओ वेंगुड़ स्वामी, महाराज को क्या पट्टी पढ़ाई तुमने जो महाराज ने तुम्हें विजयनगर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? और सुनो, यदि तुम्हारे मस्तिष्क में विजयनगर और महाराज के विरुद्ध कुछ भी चल रहा है तो स्मरण रहे, तो हम तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़े हैं। महाराज और विजयनगर पर आज नहीं आने देंगे हम। आपको ही सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए वेंगड़ू ने यह खेल रचा है तथाचार्य जी। अच्छा जी, विजयनगर के सर्वोपरि तो आप बन गए, हमारे विषय में तो महाराज से बात भी नहीं की आपने। सत्य कह रहे हैं आप, किंतु जानबूझ के वेंगड़ू ने आपके विषय में कोई बात या आपकी प्रशंसा महाराज के सामने नहीं की। हट! अन्यथा महाराज को संदेह हो जाता, क्योंकि वो इस बात से परिचित है कि आप वेंगड़ू के मित्र हैं। अतः सर्वप्रथम वेंगड़ू ने स्वयं की स्थिति मजबूत की ताकि आपकी स्थिति मजबूत हो सके। इस खेल का ये पहला पड़ाव था और दूसरा पड़ाव है विजयनगर से उस पंडित रामाकृष्णा को निष्कासित करना, और तीसरा और अंतिम पड़ाव है आपको विजयनगर में सर्वोच्च स्थान दिलवाना। वेंगड़ू का क्या है? तो वापस चला जाएगा, किंतु आप तथाचार्य जी, आप विजयनगर पर राज करोगे। विश्वास कीजिए वेंगड़ू का, महाराज आपके अनुमति के बिना जल तक ग्रहण नहीं करेंगे तथाचार्य जी। गुरुवर। हाँ बोलिए। क्या हम जल ग्रहण कर ले? अवश्य। दास जल लेके आ। क्षमा, भूल हो गई हमसे वेंगू, हम भूल गए थे। ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो हैं? पंडित रामाकृष्णा का विजयनगर से निष्कासन हो जाए और विजयनगर का सर्वोच्च पद हमें प्राप्त हो जाए, इसे कहते हैं मित्रता। इधर आओ, हमारा वेंगू, प्यारा वेंगू, सबका वेंगू, वेंगू, वेंगू। मान गए, क्या योजना बनाई है तुमने वेंगू? तेनाली Thank you.
रुक क्यों गए गुरुवर? मुझे भी तो बताइए, किस योजना के विषय में बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सी योजना बनाई है बताइए बताइए। अब हाँ, वो हम भैंसा खरीदने की योजना बना रहे हैं। भैंसा? अरे भैंस ही खरीद लेते, कम से कम दूध तो देती। तो आपको क्या लेना देना है पंडित रामकृष्णा? हम भैंसा खरीदे, भैंस खरीदे, गाय खरीदे, गधा खरीदे, मगरमच्छ खरीदे, आपकी क्या समस्या है? वैसे आप यहाँ क्यों आए हैं? वेंगड़ू स्वामी जी से भेंट करने। अरे अभी तो भेंट की आपने। हाँ तो कहाँ लिखा है कि पुनः इनसे भेंट नहीं की जा सकती? अरे इतने गुणी ज्ञानी व्यक्ति से तो जितनी बार भेंट की जाए उतना कम है। वेंगड़ू स्वामी जी, हमारे जो महाराज है ना, वो अत्यंत बुद्धिशाली और ज्ञानी व्यक्ति है। उन्होंने यदि आपकी प्रशंसा की है तो आप अवश्य इस योग्य होंगे। ऐसे एक बात बताइए बैठी, आस पास के 40 गाँव में तो आप जैसा बुद्धिशाली व्यक्ति कोई है नहीं, तो फिर आप कहाँ के निवासी है? वेंकटेशपुर। वेंकटेशपुर कह रहे हैं? तो क्या हो गया? वेंकटेशपुर। अरे हृदय प्रसन्न कर दिया आपने, हृदय प्रसन्न कर दिया। आप तो मेरे सगे संबंधी निकले। मेरा ननिहाल है वेंकटेशपुर में। वहाँ मेरे 5 मामा, 8 मौसियाँ और जितने भी चचेरे ममेरे फुफेरे भाई है ना, सबके सब वहीं रहते हैं। और तो और मेरा बाल्यकाल भी वहीं बीता है। हाँ गुरुवर, मैं तो वहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। वेंकटेशपुर में आपका निवास स्थान कहाँ है? वेंगड़ू ने तो इन्हें टालने के लिए वेंकटेशपुर का नाम लिया था, किंतु वो तो इनकी नानी का घर निकला। अरे अब बताइए भी ना, वेंकटेशपुर में आपका निवास स्थान कहाँ है? अब क्या बताए वेंगड़ू, क्योंकि वेंगड़ू तो अपने जीवन में कभी वेंकटेशपुर गया ही नहीं है। अरे अब बता भी दीजिए। वेंकटेशपुर में जो शिव मंदिर है, हाँ हाँ हाँ, उसके पास वाला जो मकान है, हाँ, वो ही वेंगड़ू का निवास स्थान है। नहीं नहीं नहीं, शिव जी के मंदिर के दाएं वाला मकान या वो बाएं हाथ वाला मकान? बाएं। मौसा जी, मेरे मौसा जी, अरे मौसा जी गले लग जाइए, आप तो मेरे मौसा जी निकले। गुरुवर मेरे मौसा जी। अरे संयम 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 में रहिए पंडित रामकृष्णा, ये आपके मौसा जी कैसे हो गए? गुरुवर देखिए, शिव जी के मंदिर के बाएं हाथ वाला मकान जो है वो इनका है, किंतु जो दाहिने हाथ वाला मकान है वो मेरे मौसा जी का है, तो उस नाते ये भी मेरे मौसा जी हुए कि नहीं? ये क्या बात हुई? अब आपकी पत्नी के मायके में जितनी भी स्त्रियां हैं सब आपकी पत्नी है क्या? है? बहुत हुआ, रात्रि भी बहुत हो गई, अब आप अपने घर की ओर जाइए। जाता हूँ, जाता हूँ गुरुवर, एक क्षण रुकिए। वेंगड़ू स्वामी जी, वो जो शिवजी मंदिर के बाएं हाथ वाला मकान जिस विषय में आपने बताया, वही वाला मकान ना जो हरे रंग का है? हाँ वही। आप समझ रहे हैं ना मैं किस मकान के विषय में बात कर रहा हूँ? वही जो भूरे रंग का है। ये क्या रंगोली खेल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हरे रंग का। देखा, अब तो पूर्णतया पक्का हो गया कि ये मेरे मौसा जी है। अरे मेरे मौसा जी। अरे पंडित रामकृष्णा, बहुत हो गई रिश्तेदारी है, अब आप अपने निवास की ओर प्रस्थान कीजिए, हमारे अतिथि के भोजन का समय हो गया। एक एक एक, एक अंतिम बार अपने मौसा जी को गले लगाना चाहता हूँ गुरुवर। छोड़ी 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 मौसा जी। बस अब कल के कल मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि वेंकटेशपुर में शिव मंदिर के पास इस रंग का कोई मकान है अथवा नहीं, और यदि है तो वहां कौन कौन रहता है, और इसका प्रबंध आज रात्रि में ही करना होगा। महाराज, आपने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया। भूख नहीं है। महाराज, आपको बहाने बनाने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भोजन छोटी महारानी ने नहीं, अभी तो हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। चलिए अब जल्दी से ग्रहण कीजिए। कहा ना, भूख नहीं है। महाराज सच सच बताइए, आप ठीक तो है ना? आपको भूख ना लगने का कारण कहीं ये तो नहीं, या आप अस्वस्थ हैं? महाराज हम अभी राजवैद्य को बुलाते हैं। महारानी जी की जय हो। प्रणाम वेंगड़ू स्वामी जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? महारानी, वेंगड़ू के किसी प्रियजन को कोई समस्या हो तो वेंगड़ू को उसका आभास हो जाता है,
वेंगड़ू को यह ज्ञात है महाराज को हुआ क्या है। सत्य? आपको अवश्य स्मरण होगा कि महाराज ने राज दरबार में क्या कहा था कि वेंगड़ू समस्त कलाओं का ज्ञाता है। अथा यदि आप ये जानने को उत्सुक है कि महाराज को हुआ क्या है तो आप जैसा जैसा वेंगड़ू कहे आप वैसा वैसा कीजिए। ये जला आप अपने नेत्रों में इस प्रकार क्यों डाल रहे हैं? महारानी, वेंगड़ू आपको बताना चाहते हैं कि ये जल एक औषधि है जिसे एक वैद्य जी ने वेंगड़ू को दिया है। वेंगड़ू के नेत्र में जलन की समस्या कुछ समय से चल रही है। अच्छा महारानी जी, कृपा करके आप वेंगड़ू के नेत्र में देखिए। परंतु क्यों? इससे आप ये जानने में सक्षम होंगी कि महाराज को हुआ क्या है। परंतु आपके नेत्रों में देखकर हम ये कैसे जान पाएंगे कि महाराज को क्या हुआ है? महारानी, वेंगड़ू अपने जादू से आपको महाराज की मनोस्थिति के विषय में अवगत कराएगा। महारानी, वेंगड़ू के नेत्रों में देखिए। वही देखेंगी जो वेंगड़ू आपको दिखाएगा। क्यों महारानी, है ना? हाँ, अब हम वही देखेंगे जो आप हमें दिखाएंगे। पंडित रामा कृष्णा, अब आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब जो घटित होने वाला है उस विषय में आप तो क्या संपूर्ण विजयनगर में कोई नहीं सोच सकता। अब जो होगा वो आपकी कल्पना से परे होगा। महाराज, वेंगड़ू आपसे पूछना चाहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम, वेंगड़ू स्वामी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हम स्वयं यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी महारानियां कहाँ हैं? वेंगड़ू आपके हर प्रश्न का उत्तर देगा महाराज, किंतु पहले आप वेंगड़ू के नेत्रों में तो देखिए। महाराज, वेंगड़ू ने आपको पुनः सम्मोहित कर लिया है। वेंगड़ू आपसे पूछना चाहता है कि आपके सामने कौन है? कौन है? पंडित रामाकृष्णा का व्यक्ति, क्योंकि पंडित रामाकृष्णा ने आपको बंदी बना लिया है। आप एक कारागार में हैं, जहां पर अत्यंत खूनखार सैनिक हाथों में तलवार लिए पहरा दे रहे हैं। वो देखिए, महाराज, वेंगड़ू आपको सूचित करना चाहता है कि यदि आपने यहां से मुक्त होने का प्रयत्न किया तो वो सैनिक आपको जीवन से मुक्त कर देंगे। Oh
महाराज आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? हाँ हम यहीं रहेंगे। पंडित रामकृष्ण की गिरफ्त में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.